ओम शांति। बच्चे हिम्मत रख, दृढ़ता पूर्वक कदम आगे बढ़ाते चलो, तो बाप स्वयं ही सारे कार्य संपन्न करवा देगा। बस आप निश्चय रख, निश्चिंत रहे, आगे बढ़ो। ना ही पास्ट के बारे में सोचो, ना ही फ्यूचर के बारे में। बस प्रेजेंट में स्वयं को आत्मा समझ, बाप के संग रहो। जितना आप बाप की श्रीमत को फॉलो करते हो, अर्थात अपना सब कुछ बाप को समर्पण कर निश्चिंत अवस्था में रहते हो, उतने ही स्थूल और सूक्ष्म खजानों से भरपूर रहते हो। भगवान के बच्चे भरपूर नहीं होंगे तो बताओ कौन होंगे। बस अब बिल्कुल थोड़ा सा हिसाब किताब रह गया है, वो भी 100% बाप हवाले कर दो और निश्चिंत रहो। जितना परसेंट निश्चिंत, उतना ही परसेंट बाप की मदद के पात्र बनोगे। और जो बच्चे इस समय 100% बाप को फॉलो कर रहे हैं, वो बाप की कमाल देखेंगे। बस आप स्वयं को बाप से मिले हुए हर सूक्ष्म खजानों से भरपूर रखो। उन गुणों और शक्तियों को अपनी दिनचर्या में यूज करो। आप मालिक हो तो मालिक बनकर यूज करो। पुराने संस्कारों का चिंतन छोड़ दो। अब आपके संस्कार बाप समान है। बाप के सभी खजाने आपके हैं। इसी स्मृति में रहो। जितना स्वयं को भरपूर समझोगे, उतना ही संपन्नता की ओर बढ़ोगे। बस अभी अभी को याद रखना, अगर आप कभी करोगे तो बाप भी कभी कभी कर देगा। देखो बच्चे, वही बच्चे विजयी बनेंगे जो 100% संपन्न होंगे, अर्थात सुख शांति प्रेम शक्तियां आनंद पवित्रता से भरपूर, 1% भी कम नहीं। दाता के बच्चे हो तो स्वयं को 100% संपन्न बना, दाता बनना, मांगने वाले नहीं। निश्चय है, निश्चिंत अवस्था है, तो विजय आपकी ही है। बाप भी आपके फ्यूचर को देख खुश होता है और आपके वाह वाह के गीत गाता है। आप भी खुशी खुशी से कदम आगे बढ़ाओ और अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गीत गाओ। वरदानी बच्चे हो तो वरदानों से संपन्न रहो। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की तरफ अटेंशन बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.